परेशान हो? मेरे लिए? जिसकी ना कोई इज्जत है, ना वक्त, ना हैसियत। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अरे ज़ेबा, वालेकुम सलाम। कैसी हो? गुड़िया को नहीं लेकर आई? अरे नहीं अम्मी, उसे ना बहुत नज़ला हो रहा था, तो मैंने सोचा अम्मी के पास ही छोड़ दूँ, और मेरा बहुत दिल चाह रहा था आपसे मिलने के लिए। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। तुम्हारी सास का मूड ठीक है? बस ठीक है। इसका मतलब है ठीक नहीं है? नहीं अम्मी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ पहले जैसा नहीं है, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, ठीक हो जाएगा। बेवजह की नाराज क्या है? क्या मुझे तुम अस्पताल से घर आ गई? मैंने तुम्हें रखा थोड़ी, वापस भेज दिया था ना? नहीं अम्मी, कुछ लोग होते हैं ना जो बेवजह नाराजगी दिखाते हैं, खुद तो जलते हैं और दूसरों को भी जलाते हैं। क्या कहना चाह रही हो तुम? नहीं अम्मी, वो मैं किचन से आ रही हूँ और भाभी खाना पका रही हैं। मैंने देखा कि उनकी उंगली कटी हुई है और बुखार भी है। खैर, वहाँ खाना पका रही हैं और मुझसे बातें भी की। बातें या लगाए बुझाए? अम्मी, उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, बल्कि जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ बस काम कर रही थी तो उंगली कट गई। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अम्मी ने सख्त मना किया कि काम मत करना, लेकिन मुझे पता है अम्मी आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा होगा उनको। तुम सबने मिलकर मेरे खिलाफ महाज बना लिया। काश आपको समझ आ जाए अम्मी कि कभी भाभी की जगह मैं अपिया सबा भी हो सकते हैं, और हमारी साथ की जगह आप, फिर आपकी क्या राय होगी अम्मी? हालात और इंसान को बदलते हुए देर नहीं लगती है अम्मी। आपको पता है मेरी सास कितनी अच्छी थी कि कभी कभी मुझे लगता था कि इन्होंने ही मुझे जन्म दिया, मगर अचानक एक ऐसा वाकया हुआ कि वो बदल गई और सास बन गई। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो पहले जैसी हो जाएंगी बहुत जल्द, क्योंकि उनकी फितरत में मोहब्बत है। लेकिन शायद जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह की तरफ से हुआ। अल्लाह कुछ काम इंसानों की आंखें खोलने के लिए भी करता है कि अब वो संभल जाएं। भाभी ने इस घर के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और दे भी रही हैं। इतनी अमीर बाप की इकलौती बेटी जो इतनी बीमारी में भी किचन में काम कर रही हैं और पूरे घर को संभाला हुआ है उन्होंने, अपनी मोहब्बत का इससे बढ़कर और क्या सबूत देंगी अम्मी वो? अम्मी प्लीज, अना की इस जंग को खत्म कर दें। इससे ना ही सिर्फ आपको तकलीफ हो रही है, बल्कि भाई और भाभी को भी, जिनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली। लेकिन अम्मी, इसकी इजाज़त तो शरीयत भी देती है, लेकिन मुझे लगता है आपका फैसला तो इससे ही बढ़कर है, जो कोई कानून और शरीयत नहीं मानता। देखिए जरा जी, आशु नाश्ता भी करके नहीं गया और अब फोन भी नहीं उठा रहा। अरे भाई, दफ्तर में कोई काम होगा उसे, इसलिए जल्दी चला गया। तुम टेंशन क्यों लेती हो? कर लिया होगा उसने दफ्तर में नाश्ता। सबा ने भी कमरे में नाश्ता मंगवा लिया और मुझे तो मूड भी उसका सही नहीं लग रहा। अरे भाई, नई नई शादी हुई है, मियां बीवी हैं, कुछ लड़ाई हो गई होगी उनकी, शुरू के दिनों में होता है ऐसा। बड़ी मोहब्बत भरी लड़ाइयां होती हैं, तुम्हें याद नहीं? हमारी शादी के दिनों में कितनी लड़ाइयां होती थी और बाद में सुलह हो जाती थी। रिजवान, हमारी बात और थी। हम हर लड़ाई झगड़े में कोई ना कोई मोहब्बत का पहलू निकाल लिया करते थे, लेकिन ये आजकल के बच्चे जरा जरा से झगड़ों में फैसला करने खड़े हो जाते हैं। नाजिया बेगम, आप बिलावजह टेंशन ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वो मैंने एक येलो कलर की फाइल रखवाई थी आपके पास, जरा वो तो देखिए, लाइए। लाती हूँ। छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेती हैं।
मुझे बहुत शर्मिंदगी है, आप लोग मेरी वजह से कितने परेशान। बस थोड़ी सी तबीयत संभल जाए फिर मैं घर चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। वो अली कहाँ है? सुबुही ने उसे खाना खिलाकर सुला दिया। थैंक यू सुबुही, तुम बहुत अच्छी हो। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अच्छा ये बताओ, क्या तुम कहीं गिर गई थी? तुम्हें चोट कैसे लगी? बस वो इंसान मेरा दुश्मन बन चुका है। किसकी बात कर रही हो? वही मेरा नाम निहाद शौहर। और कौन? तुम्हारा शौहर? लेकिन वो तुम्हारी जान का दुश्मन क्यों होगा? रात भर शराब पीकर अपनी बीवी को पीटना एक हॉबी है उसकी, और जब तक वो मुझे पीट नहीं लेता उसकी रूह को तस्कीन नहीं मिलती। आज रात भी वो पूरी रात गायब था। जब सुबह आया तो उसने मुझे सोता देखकर बिस्तर से घसीट कर धक्के देके मुझे नीचे गिराया और पीटना शुरू हो गया। और यही नहीं, आज तो उसने अलमारी से पिस्तौल निकाल कर कहा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बस मैंने उसे लॉक किया और मैं अली को लेके भाग के यहाँ आ गई। अच्छा चलो अब तुम आराम करो, परेशान नहीं हो, हम बाद में बात करते हैं। अम्मी अपने रवैये में थोड़ी सी नरमी लेकर आए। गलतियां इंसान से ही होती हैं। हम सब भी अपने ससुराल में होते हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि अगर हमारे ससुराली भी हमसे इसी तरह बात करें? ना आप कोई बात सुनना चाहती ना समझना चाहती। आपको सिर्फ एक बात याद है कि मैंने ईशा से अपने पसंद की शादी की, और ये मेरे लिए एक वो नाकाबिले माफी जुर्म है जिसकी सजा मुझे जिंदगी भर मिलती रही है। काश आपको समझ आ जाए अम्मी कि कभी भाभी की जगह मैं अपिया सबा भी हो सकते हैं, और हमारी साथ जगह आप, फिर आपकी क्या राय होगी अम्मी? अम्मी प्लीज अना की इस जंग को खत्म कर दें। इससे ना ही सिर्फ आपको तकलीफ हो रही है बल्कि भाई और भाभी को भी। जल्दी बदल गए। क्या हुआ अगर मैं नाराज थी तो? इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात थी? मुझे मना तो सकते थे ना, लेकिन नहीं, वो तो मुझे नाराज छोड़कर चले गए ऑफिस। जानते थे कि मैंने रात से कुछ भी नहीं खाया, लेकिन अशांत को तो सिर्फ अपनी माँ की पड़ी है। माँ क्या सोचेगी, माँ क्या कहेगी, माँ को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सौत्रा मैडम का सबब तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, तो मेरे लिए क्या हो? तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। सब कुछ एकदम अंधेरा सा लगता है। एक्चुअली उस दिन जो कुछ भी हुआ गैर इरादी तौर पे हुआ था। इनफैक्ट मैं तो तुमसे माफी मांगी थी, लेकिन
लेकिन तुम्हारा गुस्सा ठीक ही नहीं हुआ। तुम्हें पता है तुम्हारे इस तरह से मूड देखकर मेरे किसी काम में दिल नहीं लगता, सब कुछ बुरा लग रहा था, खाना खाने को भी दिल नहीं कर रहा था, जबकि भूख भी लग रही थी मुझे, लेकिन कभी मैंने खाना नहीं खाया। आपने ऑफिस में कुछ नहीं खाया? मैं लाती हूँ। रुको, सब आप I'm really sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है। बताए अगर तुम मुझे माफ नहीं करती ना, मैं खाना नहीं खाता, चाहे भूखा ही मर जाता। मैं फिर भी खिलाती। अली, मेरे ख्याल से अगर तुम यहाँ रेड की जगह ऑरेंज करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आंटी, मेरे इसको कह तो रहा हूँ कि ऑरेंज दे, मगर ये दे ही नहीं रही। आंटी नहीं है, मामा है। मगर मेरी मामा तो अंदर हैं। तुम्हारी मामा वो है और मेरी मामा ये है। तुम मेरी सिस्टर हो तो हम दोनों की मामा भी तो एक ही होनी चाहिए ना। कैसे हो बच्चों? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बाबा कैसे आप? ठीक हूँ। इधर आओ अली। जी बाबा। जी बाबा। तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे ना? तुम्हारे लिए कपड़े लाए, चेंज करके तैयार हो जाओ, हम डिनर पे जाएंगे। सच बाबा, ये मेरे लिए हैं। सच बाबा, आज हम डिनर के लिए जाएंगे। वाओ, कितना मजा आएगा ना। जाओ जाकर तैयार हो जाओ। तुम भी तैयार हो जाओ। मैं? लेकिन सना का क्या होगा? सना को कब तक साथ लिए लिए फिरते रहेंगे? बहुत कर लिया उसके लिए यार, अम्मा है, संभाल लेंगी वो सब कुछ। अच्छा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे? चाय पियेंगे आप? पिला दो। एक दो कौड़ी की औरत के सामने मेरी इतनी तसलील, उसकी क्या मचाल है जो उसने ये सरक किया मेरे सर पर। सना, लेट जाओ, तुम तो बीमार हो, चल भी नहीं सकते, ये लोग तो तुम्हें कल सुबह ही निकाल देंगे। अम्मी, आप यहाँ हैं, हम आपको घर में ढूंढ रहे थे, क्यों बैठी हैं अकेले? वो कमरे में बैठे बैठे जरा दिल घबरा गया था, मैं यहाँ आकर बैठ गई। अच्छा, चलें चल के खाने खाते। भूख नहीं है मुझे। अम्मी, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। मैं कह रही हूँ ना, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो जाके। आपको मेडिसिन भी खानी है, क्यों जिद कर रही है, चले ना साथ। अच्छा भाई, दूध का ग्लास दे देना मुझे। अम्मी, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, शामी कबाब, मूंग की भुनी हुई दाल, बहुत मजे की बनी है, बस थोड़ा सा खा ले। अम्मी कितने प्यार से कह रही है, ईशा प्लीज चल के थोड़ा तो खा ले। अम्मी प्लीज। चलो चले। तो बोई जी, तुम यहां बैठी हो? मेरे कपड़े तैयार नहीं है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कपड़े मैंने आपके निकाल दिए, वहां बेड पे रखे हुए। अच्छा चलो आ जाओ, वो खुद कर सकती है नाश्ता। चलो हाँ बेटा, तुम जाओ, मैं हूं यहाँ। रहने दे अम्मा, इतनी बीमार नहीं है, वो खुद खा लेगी, और ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और बात सुनो भाई, डॉक्टर ने दो दिन के रेस्ट के लिए कहा था, पर आज दो दिन हो जाएंगे, तो अपने हस्बैंड को फोन करो ताकि वो तुम्हें आके ले जाए। मैं उसे फोन नहीं कर सकती। तुम लोगों के जो घर के मसले ना, अपने घर में जाके निपटाओ, मेरे घर का सुकून बर्बाद करने की जरूरत नहीं है।
मैं उसे नहीं बुला सकती। क्यों? क्योंकि वो मुझे तलाक दे चुका। क्या? क्या तलाक दे चुका? हाँ। मैंने बहुत हाथ जोड़े, मैं उसके पांव पे गिर गई, मैं उसे बनते करती रही, मैं उसकी मार खाती रही, सब कुछ इसलिए कि वो मुझे तलाक ना दे। लहूलुहान कर दिया उसने मुझे, दीवार पे मेरा सर मार के मेरा सर फाड़ दिया उसने, मुझे लहूलुहान कर दिया उसने, मैं सब कुछ सहती रही, लेकिन इस जालिम को मुझ पे रहम नहीं आया, उसने मुझे तलाक दे दी। अच्छा अच्छा बस करो, अब ये फजूल के किस्से मुझे ना सुनाओ। उसने तुम्हें तलाक दी है या नहीं दी है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरे घर वालों का ताल्लुक है। तुम अपने शौहर को कहो कि वो आज ही तुम्हें यहाँ से ले जाए, बस अपना बंदोबस्त करो। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कौन है? हमजा, प्लीज ये मत करो। अब ये भी मेरा कसूर है भाई, तुमने जहां जाना है जिसके पास जाना है जाओ, मगर इस घर से आज ही और अभी इसी वक्त निकल जाओ। मैं तुम्हारा वजूद एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता अब, प्लीज चलो सुबुई। अरे चलो, हमजा तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते, ये घर अभी भी मेरा ही है। जेब, क्या अम्मी आज भी सुबह सुबह रशीदा खाला के घर चली गई? हाँ हाँ दी, उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी तो उन्होंने अम्मी को बुला लिया। अच्छा, शार अच्छी खासी खातून थी, एक्टिव खातून थी, पता नहीं इनको क्या हो गया। हाँ आदि, उनकी मियाँ की डेथ के बाद उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। हाँ वो भी थक गई होंगी, कितनी जिम्मेदारियां निभाए वो। उनकी तो एक बेटी बाकी है ना, अल्लाह ताला उसकी शादी खैर से करा दे। अल्लाह सब बेहतर करे। या अल्लाह, किसी का मोहताज ना करे, बस चलते हाथ पैर उठाए। अम्मी, अम्मी, आराम से आराम से। काबू नहीं हो सका, बहुत बीमार है। अरे अम्मी आप अपना ख्याल रखें, अभी देखें इतनी बुरी तरह गिर जाती हैं आप, वो तो जेब ने आपको बचा लिया, वरना पता नहीं क्या होता। परेशान ही होती कुछ नहीं, अब पानी पी। अम्मा अम्मा फौरन इसे घर से बाहर निकालें, मुझे इसे देख देख कर वहशत हो रही है। हाँ मैं करती हूँ बात। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, इस आदमी की ऐश ने इसने अपने घर को बर्बाद किया, अपनी बच्ची छोड़ी, उसने इसे इतनी जल्दी छोड़ दिया। मकाफात अमल है बेटा, जो शख्स किसी को दुख देता है ना वो ज्यादा देर सुखी नहीं रह पाता। शौहर से तो उसकी बनती नहीं थी, और अब मुझे बता रही थी कि वो रोज नशा करके आता है और उसे मारता पीटता है। जिस सोसाइटी में वो ताल्लुक रखता था उसमें तो ये बातें आम है, उसे तो ये बातें पहले से पता होंगी, उसने शादी के बाद तो ये हरकतें शुरू नहीं की होंगी ना, मगर उस वक्त तो उसे उस शख्स की सिर्फ दौलत नजर आ रही होगी। खैर आप उसे कहें कि अपना ठिकाना ढूंढे, उसे क्या कमी होगी, सैकड़ों तो दोस्त होंगे उसके, मुझे सिर्फ अपने बच्चे की परवाह है, पता नहीं क्या होगा उसका, क्या दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा वो उसके साथ। बेटा तुम फिक्र मत करो, ऑफिस जाओ, इंशाल्लाह कोई ना कोई बेहतर रास्ता निकल आएगा। देखना अम्मी का रवैया और अच्छा होता जाएगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें परख लिया है। तुम्हें लगता है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी,
मुझसे कांटेक्ट मत करो, कहा तो था मैंने तुमसे, फिर बार बार फोन करने की क्या जरूरत है।